गोंडारगढ़ कर और आज हम लोग बात करने वाले हैं श्री राम मंदिर के बारे में। जैसे कि आपने टाइटल पढ़ा ही होगा, फाइनली हमारा राम मंदिर जो है वो बनके तैयार हो रहा है इन अयोध्या। तो इस वीडियो में मैं चार अलग अलग पॉइंट्स कवर करने वाला हूँ आपके लिए इस मंदिर से रिलेटेड, क्योंकि आफ्टर ऑल ये मंदिर बन के अब तैयार हो रहा है कई सालों के इंतज़ार के बाद। वाला हूँ वो ये है कि वो मंदिर आखिर किन चीज़ों के ज़रिए बनाया जा रहा है। तो राम मंदिर जो है उसे बनाने के लिए रॉड या फिर कंक्रीट, जो ट्रेडिशनल बिल्डिंग मटेरियल का यूज़ होता है, वो नहीं किया गया है। इस राम मंदिर की बनाने के लिए ख़ास टाइप का पत्थर यानी कि रेड सैंडस्टोन का यूज़ किया गया है। रेड सैंडस्टोन राजस्थान के एरिया में मिलता है, उसे वहाँ से माइन करके अयोध्या ले जाया गया है। वहाँ पर इसकी कार्विंग की गई है। उस कार्विंग के बाद इसे लेगोस, मतलब जो इंटरलॉकिंग मेथड होती है उसके ज़रिए इन पत्थरों को यानी कि रेड सैंडस्टोन को एक के ऊपर एक प्रॉपरली लगाया गया है, जिससे इस मंदिर का निर्माण हो पाया है। ऐसा इसीलिए किया गया है क्योंकि ये जो मंदिर है इसे बनाने के पीछे का मकसद ये है कि ये मंदिर आने वाले 1000 साल तक टिक पाए बिना किसी प्रॉब्लम के और मेंटेनेंस ना आ पाए ज़्यादा से ज़्यादा। और इतना ही नहीं तो ये नींव जो है इस मंदिर की वो इतनी मजबूत रखी गई है कि ये 7 मैग्नीट्यूड के अर्थ को एक को भी झेलने के केपेबल है। और इस रेड सैंडस्टोन के इंटरलॉकिंग के पिलर्स की वजह से ये काफ़ी मजबूत है। और इतना ही नहीं, इस टाइप के नियरली 300 से भी ज़्यादा पिलर्स यूज़ किए गए हैं एज अ मेन फॉर्मेशन ऑफ द टेम्पल। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि ये जो राम मंदिर है इसकी डिज़ाइन जो है वो चंद्रकांत सोमपुरा जी ने की है। ये डिज़ाइनिंग फेज 30 ईयर्स पहले से चल रहा है। और इतना ही नहीं तो ये जो सोमपुरा जी है वे उस फैमिली से बिलोंग करते हैं जिन्होंने इंडिया में बहुत सारे अलग अलग टेम्पल्स को जो है वो री इस्टेब्लिश किया है। उनके ग्रैंडफादर ने सोमनाथ मंदिर को री इस्टेब्लिश करने में बहुत बड़ा हाथ बटाया था, फुल डिज़ाइनिंग वगैरह की थी। और आर्किटेक्चर में इनसे ज़्यादा बेटर कोई नहीं था इस मंदिर को डिज़ाइन करने के लिए। अब चलिए आगे देखते हैं कि इस मंदिर में जो लगने वाली राम लला की मूर्ति है उसकी क्या खासियत। सो गाइस, अयोध्या के राम मंदिर में लगने वाली जो राम लला की जो मूर्ति है वो मैंने फ़ोटो यहाँ पे दिखा दिया होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। राम लला की मूर्ति जो है वो अर्जुन नाम के एक खास आर्टिस्ट ने बनाई हुई है। उसी की कई सारी मूर्तियाँ इंडिया में अलग अलग जगहों पे फेमसली लगाई गई हैं। और इतना ही नहीं तो ये रामलला की जो मूर्ति है ये उनके 5 साल के जो बच्चे के रूप में है वो बनाई गई है, यानी कि बिफोर द मैरिज। यानी कि इसमें नॉर्मली जैसे हम राम लक्ष्मण सीता देखते हैं एक मूर्ति, तो ये वो नहीं है, इसमें सिर्फ रामलला है। तो फोटो में आपको दिख रहा होगा। और इस मूर्ति की खासियत ये है कि इसके आर्क को देखिए, इसका जो आर्क है जो घिराव है उसको देखिए, उसके लेफ्ट और राइट में स्टार्टिंग से देखिए गरुड़ जी और हनुमान जी है। फिर आप ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे लेफ्ट और राइट दोनों ही जगहों पे विष्णु जी के दश अवतार जो है वो दिखाए गए हैं। एक साइड पे 5 है, दूसरी साइड पे 5 है। और राम जी भी विष्णु जी का ही 10 अवतारों में से एक अवतार है। जैसे आप आर्क में यानी कि जो ऊपर वाला टॉप हिस्सा है उसमें जाते हैं तो ब्रह्मा जी का स्कल्पचर जो है वो भी है और शिव जी का स्कल्पचर है वो भी है। और वहाँ पे आपको ओम स्वस्तिक और उनके जो अस्त्र है विष्णु जी के, अर्थात कमोदगी गधा या फिर अपना शंख कमल और सुदर्शन चक्र ये भी, और टॉप में बीचों बीच जो है वो अपने सूर्य नारायण भगवान जो है वो विराजमान है इस मूर्ति में। और इतना ही नहीं, ये मूर्ति शालिग्राम पत्थर से बनाई गई है जो नेपाल से यहाँ पे इंडिया में भेजी गई थी। ये 150 से 200 किलो की मूर्ति है और बहुत ही ज़्यादा प्यारी है दिखने में मूर्ति, बहुत सुंदर मूर्ति बनाई गई है। अभी जो लोग कहते हैं कि मंदिर नहीं बनना चाहिए था, हॉस्पिटल वगैरह बनना चाहिए था, एक मंदिर जब जगह पर बनता है ना, डिपेंडिंग ऑन इट्स पॉपुलरिटी लेवल, यानी कि वो कितना ज़्यादा खास है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है वहाँ पर। जैसे कि अभी साउथ में देख लीजिए, बड़े बड़े टेम्पल्स हैं वहाँ पे, तिरुपति बालाजी हो गया, काफ़ी सारे बड़े बड़े टेम्पल्स हैं। अभी बहुत सारे टूरिस्ट मंदिरों में दर्शन लेने वाले लोग वहाँ पे जाते हैं। अब जाहिर सी बात है कि हर एक का तो घर वहाँ पे होगा नहीं, रिश्तेदार होंगे नहीं, तो उन्हें होटल्स की ज़रूरत पड़ेगी रूम के लिए, रहने के लिए। तो वहाँ पर बहुत सारे होटल्स हैं, अभी होटल्स आ गए
तो वहाँ पे मार्केट आ जाएंगे, मार्केट आ गए तो जाहिर सी बात है बैंक्स आ जाएंगी, बैंक्स आ गए तो भाई इतनी सारी जगहों पे घूमने के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए, तो रिक्शा बसेस टैक्सी सब आ जाते हैं। यानी कि नई नई तो भी एक डिसेंट साइज़ का टेम्पल जो होता है वो 500 से 1000 लोगों को जॉब दे देता है। और राम टेम्पल जो है अयोध्या में जो बन रहा है रामलला का मंदिर, इसमें इतनी ज़्यादा खासियत है, इतना बड़ा है, इतना ग्रैंड है कि बहुत सारे टूरिस्ट बहुत सारे राम भक्त जो है वो वहाँ पे जाने वाले हैं, जाएंगे तो इतने सारे होटल्स वहाँ पे खुलेंगे, इतने सारे डेवलपमेंट जो होने वाला है बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट एयरपोर्ट भी वहाँ पे मौजूद है, यानी कि बहुत सारे लोगों के आ जा करने का है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बहुत बढ़ जाएगा उस एरिया के अंदर। तो भिखारी नहीं रहते वही मंदिर के सामने, मंदिर जब बनता है ना तो अपने आप उस एरिया का डेवलपमेंट हो जाता है, समझे। अब कल 22 जनवरी है तो भाई फाइनली श्री राम भगवान जो है वो अयोध्या पधार रहे हैं। जय श्री राम।